यीशु उन्हीं के एगो और दृष्टांत देलन। सड़क के राज हो मनुष्य के ऐसन बा जौन अपना खेत में नीमन बिया बोलस, बाकी जब लोग सूतल रहे तो ओकर दुश्मन आके गेहूं के बीच में खर पतवार बो के चल गई। जब अंकुर निकलल और बाल लगल तो खर पतवार भी लौके लगल। ए पर गृहस्थ के नौकर आके मालिक से कहलन, मालिक का रहुआ अपना खेत में नीमन बिया ना बोले रहली, फिर कहां से ही खर पतवार जाम गई। उन्हनी से कहलन, ई कौनो दुश्मन के काम है। नौकर सब उनकरा से कहले, राउर मर्जी हो तो उखाड़ दी जा। मालिक कहलन, ऐसा मत कर लो, कहीं ऐसा ना होखे कि खर पतवार के साथे गेहूं भी उखड़ जाए। कटनी तक दोनों के एक साथे बढ़े दा, और कटनी के समय हम काटे वालन से कहब कि पहले खर पतवार के उखड़ और ओकरा के जरावे खातिर बोझा बांध ले जा, और गेहूं के बटोर के हमरे डेहरी में रख दिया जा। यीशु उ लोग के एगो और दृष्टांत दिले। सरक के राज राई के एगो दाना के जैसन बा जौना के कौनो आदमी लेके अपना खेत में बो दिलस, उ सब बिया से छोट तबा, बाकी जब बढ़ जाला तब सब साग पात से बड़ा होला और ऐसन पौधा हो जाला कि आकाश के चिड़ै ओकरा दाड़ पर आके रहलन। स यीशु उ लोग के एगो और दृष्टांत सुनौले। सरक के राज खमीर के जैसन बा जौना के कौनो मेहरारू लेके तीन पसेरी आटा में मिला दिलस और होत होत सब आटा खमीर बन गई। ई सब बात यीशु दृष्टांत में लोगन से कहले और बिना दृष्टांत के यीशु उ लोग से कुछ ना कहत रहले कि जौन भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गईल रहे उ पूरा होखे। हम दृष्टांत कहे खातिर अपन मुंह खोलब और ओ बात के जौन दुनिया के पैदाइश से छिपल बा ओकरा के प्रगट करब। तब यीशु भीड़ के छोड़ के घर में अइलन और उनका चेला लोग उनकरा लगे आके कहलन, खेत के खर पतवार के दृष्टांत के माने हमनी के समझा दी। यीशु लोग के जवाब देलन, नीमन बिया के बोवे वाला मनुष्य के लैका हवे, खेत दुनिया, नीमन बिया राज के संतान और खर पतवार शैतान के संतान हो। जवन दुश्मन ओकरा के बोलस उ शैतान है। कटनी दुनिया के आखिरी है और काटे वाला सरगदूत के लोग हो। जैसे खर पतवार के दाना बटोरल जाला वैसे ही दुनिया के आखिरी में हुई। आदमी के लैका अपना सरक दूतन के भेजी हैं और उ हमरा राज में से सब ठोकर देवे वालन के ऊपर पाप करे वालन के बटोरी हैं और उन्हनी के आगी के कुंड में झोंक दी हैं। उहां रोवे के और दांत पीसे के पड़ी। ओ घरी धर्मी लोग अपना परमेश्वर के राज में सूरज ऐसन चमकी हैं। जेकर कान होखे वो सुन ले।